Hello students, I welcome you all to my channel. Today we are reading class 6 chapter 3 in the Shepherd Treasure. तो शेफर्ड होता है गडरिया और ट्रेजर होता है खजाना, उसका बहुत ही बेशुमार कीमती कोई चीज़। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान, एक बहुत ही गरीब जो शेफर्ड है गडरिया है वो ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, दो मतलब यद्यपि और अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित होने के बावजूद भी, ही वॉज़ वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था और हेल्पफुल, लोगों की मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्क्यूज, डिस्क्यूज होता है कि भेस बदल कर रूप चेंज करके किसी से मिलना, तो राजा था वहाँ का, उसने सोचा कि उससे मिला जाए अपना रूप चेंज करके। इन अ विलेज इन ईरान, ईरान के एक गाँव में, दे वंस लिव्ड अ शेफर्ड, वहाँ पर एक गडरिया रहता था। ही वॉज़ वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब था। He did not have even a small cottage office on, cottage होता है झोपड़ी या फिर कुटिया, तो वो इतना गरीब था कि उसके पास अपना खुद का एक झोपड़ी भी नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write, वो कभी स्कूल नहीं गया था और उसने कभी भी लिखना और पढ़ना नहीं सीखा था। For there were very few schools in those days, क्योंकि उन दिनों में बहुत ही कम जो स्कूल थे, विद्यालय जो थे वो होते थे। Though poor and uneducated, पुअर होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद और अशिक्षित होने के बावजूद, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, वो जो गडरिया था वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, वो अंडरस्टूड करता था मतलब समझ जाता था लोगों के दुख और उनकी मुसीबतों को, एंड हेल्प और उनकी मदद करता था टू फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, कि वो अपनी मुसीबतों का सामना है ना वो बहुत ही साहस के साथ और कॉमन सेंस मतलब व्यवहारिक बुद्धि के साथ उनका सामना करे। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उसके पास आते थे सलाह के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, जल्दी ही क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा विजडम अपनी बुद्धिमत्ता के कारण और अपने व्यवहारिक मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, उस कंट्री उस देश का जो राजा था उसने उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उसने विचार किया कि इस जो गडरिया है उससे मिला जाए। डिस्गस्ट एज ए सफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, उसने भेस बदल कर, एक गडरिया का भेस बदल कर वहाँ पर राइडिंग मतलब सवारी करके, किसकी सवारी, म्यूल की, म्यूल होता है खच्चर, खच्चर की सवारी करके वो वहाँ पर उसके पास गया। वन डे, एक दिन, द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज, जहाँ पर जो बुद्धिमान गडरिया रहता था वहाँ पर वो राजा आया एक दिन। शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर वो रहता था। एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड द केव, जैसे ही गडरी ने देखा कि वो जो ट्रैवलर है, यात्री हैं, वो उसकी गुफा के पास में आ रहे हैं, ही रोज टू वेलकम हिम, वो खड़ा हो गया उनका स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वो जो थके हुए यात्री थे उनको वो गुफा के अंदर ले आया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उनको पीने के लिए पानी दिया। एंड शेयर हिज आन मीग्री मील, और उसने उनके साथ अपना मीग्रे मतलब मीग्रे होता है कम, बहुत ही कम खाना जो था उसके पास वो उसके साथ शेयर कर दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, राजा जो है उसने क्या किया मतलब रात भर वो वहाँ पर आराम किया उसने, और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया जो शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी थी, हॉस्पिटैलिटी मतलब आदर सत्कार करना, ठीक है, एंड वाइज कन्वर्सेशन, और उसकी जो बुद्धिमत्ता वाली बातचीत थी उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक out that his visitor was none other than the king, शेफर्ड है वो समझ गया था कि ये जो विजिटर है, जो यात्री है, वो जो उसके पास आया है वो और कोई नहीं बल्कि खुद किंग ही है, राजा ही है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, तो राजा ने क्या किया, वो उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा पहले ही इम्प्रेस हो गया था, तो राजा ने उसको गवर्नर मतलब राज्यपाल बना दिया एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले का। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस, तो दूसरे राज्यपाल जो थे वो क्या हो गए, उससे जेलस हो गए, जलने लग गए वो उसकी इस बात से। ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, नए राज्यपाल से जलने लग गए और उन्होंने उसको क्या कहा कि ये तो डिसऑनेस्ट है मतलब बेईमान है। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी भी जो राजा है वो थका हुआ था,
लेकिन उसने क्या सोचा कि वो डिपार्ट मतलब वहाँ से जाए, अगली सुबह वहाँ से चला जाए। ही सैड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, उसने कहा कि आपका तुम्हारा बहुत बहुत आभार कि तुमने एक पुअर ट्रैवलर एक गरीब यात्री पे इतना उपकार किया, उसका वेलकम किया, तुम्हारा बहुत बहुत आभार उस चीज़ के लिए। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की इजाज़त दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा उसने अपने गेस्ट की। द शेफर्ड रिप्लाइड, गडरी ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद आपका महाराज फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मुझे आपने जो यात्रा करके आप मेरे से मिलने आए उसके लिए आपने मुझे आभार प्रकट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा जो है वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिस्ड, एस्टोनी मतलब हैरान रह गया ये बात सुनकर, साथ ही साथ वो बहुत खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, अब राजा जो है वो खुद से बोल रहा है कि सच में ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से विचार किया, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे इस जैसे लोगों की ज़रूरत है अपने लिए काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सेफर द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने क्या किया उसको अपॉइंट कर दिया मतलब नियुक्त कर दिया, हम्बल सेफर जो विनम्र शेफर था उसको एक गवर्नर नियुक्त कर दिया, एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया डिस्ट्रिक्ट का, जिले का। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, पावर मतलब पावर आ जाना, ताकत आ जाना, शक्ति आ जाना हाथ में, और डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा, तो उसके पास दोनों चीज़ें आ गई थी, प्रतिष्ठा आ गई थी और पावर आ गई थी। उसके बावजूद भी द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, उसके बावजूद भी वो उतना ही विनम्र बन के रहा जितना वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम सिंपथी एंड गुडनेस, लोग जो थे उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे, ठीक है, उसकी विजडम उसकी बुद्धिमता के लिए, और वो लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाता था उसके लिए, और उनके प्रति अच्छा व्यवहार करता था, तो इसके लिए लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था सबके लिए। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसका जो फेम था फेम मतलब प्रसिद्धि, ठीक है, वो बढ़ती चली गई एज ए वाइज गवर्नर, एक बुद्धिमता वाले गवर्नर राज्यपाल की, और वो सबके प्रति एक समान व्यवहार करता था, तो जल्दी ही सारे जो कंट्री में थी सारे देश में उसकी बातें फैलने लग गई, तो वो जल्दी ही फेमस हो गया बहुत। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस, अब जो दूसरे लोग थे प्रोविंसेस मतलब दूसरे देश के, ठीक है, जो गवर्नर थे वो क्या हो गए पूरी तरह से जल गए उससे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके विरुद्ध बातें करने लगे कि ये तो ऐसा है वैसा है, उसके खिलाफ भड़काने लगे बेसिकली। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, उन्होंने कहा कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से पैसा जो है वो कलेक्ट करता है टैक्स के रूप में, उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है। उन्होंने ऐसे राजा को भड़का दिया। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड एन आयरन चेस्ट, और वो लोग राजा से कहते हैं कि ऐसी ही बात है, इसीलिए वो क्यों अपने साथ एक आयरन चेस्ट, आयरन मतलब एक लोहे की संदूक अपने साथ एक रखता है, क्यों रखता है वो, क्योंकि उसमें वो खजाना छुपा के रखता है। परहैप्स ही कैरीड इट इन द कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैज सीक्रेटली कलेक्टेड, उसने जो गुप्त रूप से जो ट्रेजर खजाना जो है वो इकट्ठा किया है वो सारा वो इसमें आयरन चेस्ट में रख लेता है। आफ्टर ऑल के बावजूद दे सेड मॉकिंगली, उन्होंने मजाक उड़ाते हुए सारी बातें बोली, ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, क्योंकि वो क्या है एक बहुत ही साधारण गडरिया है और वो इससे अच्छा नहीं बन सकता है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, जो नया राज्यपाल था जो गडरिया था बेसिकली उसको पैलेस महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, और उसको आदेश दिया गया कि तुम बताओ एक्सप्लेन करो कि तुम अपने साथ ये आयरन चेस्ट मतलब संदूक क्यों रखते हो हमेशा। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड नो सिल्वर, उस चेस्ट में उस संदूक में कोई गोल्ड और सिल्वर नहीं था, कोई सोना चांदी नहीं था। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, शुरुआत में क्या हुआ राजा है ना वो इतना ध्यान नहीं देता था इन सब सारी बातों पे,
कि ये तो ऐसे ही बकवास करते हो कि कुछ भी बोलते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई जब किसी का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है तो दूसरे लोग उससे जलने लगते हैं। तो इन सब सारी जो सूचनाएं थी, सारी जो खबर थी, रिपोर्ट्स थी, इन सब पे राजा ने पहले तो कोई टिप्पणी नहीं की और पहले इग्नोर करता रहा, उसको नकारता रहा। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट दिस एफर्ट। लेकिन कितने लंबे समय तक, कितने लंबे टाइम तक वो उसको इग्नोर करता रहा। एट लास्ट उसने इस गवर्नर की बातें मानी और उसको शेफर्ड को उस महल में बुलाया गया। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ जो थी वो निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने खोजी थी, जो राजा को मिली थी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। कि वो चीज़ ये थी कि जो नया गवर्नर है, जो गडेरिया है, वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है, एक संदूक रखता है। सो वन डे, तो एक दिन क्या हुआ, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। समन मतलब बुलाया गया, ठीक है, नए गवर्नर को पैलेस में, महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पर बैठकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सब लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि देखते हैं क्या मिलेगा क्या मिलेगा, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर, अब बातें किसकी हो रही थी, उसकी आयरन चेस्ट की हो रही थी। तो सब लोग की निगाहें जो थी वो आयरन चेस्ट पर टिकी हुई थी। दे फासन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, फासन मतलब बंधा हुआ था, जो बहुत ही टाइटली बंधा हुआ था, सिक्योरली मतलब अच्छे से, ठीक है, सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की पीठ पर। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब जो राजा जो है वो, उसको गुस्सा आ गया। ही थंडर्ड, वो बहुत ही जोर से बोला, जोर से बोलना, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, उसने बहुत ज़ोर से कहा कि तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो, वॉट डज इट कंटेन्स, क्या है इसके अंदर, दिखाओ मुझे। द गवर्नर स्माइल्ड, अब जो सारे जो राज्यपाल, जो गवर्नर, जो गडरिया था बेसिकली, वो मुस्कुराने लग गया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, राजा ने क्या किया, अपने सर्वेंट, अपने नौकरों को कहा कि वो चेस्ट, आयरन चेस्ट जो है, संदूक है, उसको लेकर आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड, ईगरली मतलब बहुत ही उत्सुकता से, वहाँ पे जो सारे लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए देखने के लिए क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर। ईगरली उत्सुकता से द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटिंग फॉर द सेफर टू बी फाउंड आउट, अब सारे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे देखने के लिए कि शेफर्ड की आयरन चेस्ट के अंदर क्या मिलता है। बट हाउ ग्रेट वॉज द एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, लेकिन उनकी जो एस्टोनिशमेंट मतलब उनकी जो ये आश्चर्यपूर्ण बात थी वो कितने टाइम तक रहती है, और राजा की खुद की। वेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब चेस्ट को, जब संदूक को खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, ना तो उसमें कोई सोना था, ना कोई चांदी था, ना कोई आभूषण था, ना कोई हीरा जवाहरात था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंकेट थी, एक कम्बल थी। होल्डिंग इट अप, उस कम्बल को पकड़ के सैफर्ड बोलता है प्राउडली, प्राउडली मतलब बहुत ही गर्व से बोलता है, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। वो कहता है कि महाराज ये मेरी ओनली ट्रेजर है, मतलब मेरा इकलौता खजाना सिर्फ मेरी ब्लैंकेट है, जो कि मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, तो राजा कहता है लेकिन तुम इतनी साधारण ब्लैंकेट, इस साधारण कम्बल को क्यों रखते हो अपने पास में। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम एक राज्यपाल हो एक जिले के। द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा, टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, बहुत ही प्रतिष्ठा से, बहुत ही मान सम्मान से शेफर्ड ने, गडरिया ने उस चीज़ का उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट जो है मेरी बहुत ही पुरानी मित्र है, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम, मतलब किसी भी समय ये मुझे अब भी मेरी रक्षा करेगी, अगर किसी भी समय योर मेजेस्टी, आप महाराज, शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, ये जो क्लॉक्स मतलब लबादे होते हैं, ठीक है, कपड़े जो बेसिकली होते हैं, ये जो मैंने नए लबादे पहने हुए हैं, किसी भी समय अगर आप इनको वापस ले लो तो ये जो मेरी पुरानी ब्लैंकेट है ये मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगी, मेरी डिग्निटी को। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, ये बात सुनकर राजा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर,
की बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई. और एम्बेरस्ड मतलब बहुत ज़्यादा एम्बेरेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए वो लोग ये बातें सुनकर. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. अब वो जान चुके थे कि शेफर्ड जो है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा विनम्र और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है इस धरातल पर. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. राजा ने उस दिन क्या किया, उस गवर्नर को, उस राज्यपाल को, उससे भी बड़े राज्य का, उससे भी बड़े जिले का गवर्नर घोषित कर दिया. ये टेल है, एन इरानियन फोक टेल से है ये, उसमें से लिया हुआ एक भाग है. और इससे बेसिकली हमें ये नॉलेज मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपना ग्राउंड लेवल नहीं भूलना चाहिए. बेसिकली हम कितने भी ऊपर क्यों ना चले जाएँ, तो ऑलवेज़ बी हम्बल एंड हेल्पफुल टू अदर. थैंक यू.